मुसलमानों की आवाज उठाओगे तो हम पूरी मदद करेंगे, टेलीविजन पे दिखाएंगे, बसों का इंतजाम करेंगे, और भी कोई मदद चाहिए तो लो। लेकिन अगर आपने मुसलमानों के साथ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की बात की तो आपको परमिशन नहीं देंगे। ये सब चीजें हमारे लिए है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए। दुनिया की कोई ताकत हमें जीतने से नहीं रोक सकती, और हौसला किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। हम जीतेंगे, अम्बेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा। से पहले दो वक्ताओं ने जो बोला, दोनों की बात में सच्चाई है, और हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी अपने आप को अंबेडकरवादी कहता है, ये उन सब की जिम्मेदारी है, बराबर की जिम्मेदारी है, कि जहां भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई भी प्रोग्राम हो तो उसको सफल बनाने के लिए उसको काम करना चाहिए। है वो नहीं किया तो उसकी गलती है। मैं भी अपने आप को अंबेडकरवादी मानता हूं, तो मैंने भी इस प्रोग्राम के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आगे से ये गलती नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि मैं यहीं पास से आता हूं, अगर मैं भी कोशिश करता तो कुछ लोग यहां से भी आते। पर गलती है, उसके बारे में कोई आगे से नहीं होगी गलती ऐसी, ऐसी मैं बात कहना चाहता हूं सबके सामने, और ये वादा भी करता हूं। एक चीज और हमें समझनी है कि हमारे लोग जो 85% से भी ज्यादा है, और आज शायद ये प्रोग्राम अगर शाम को होता तो ये स्थिति नहीं होती, बल्कि अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसको बिल्कुल ही नकार दिया जाए। अगर कैमरामैन दिखाएंगे वहां पे तो इतने लोग भी आए हैं, अपना रोजगार अपने आज की मजदूरी छोड़ के आए, तो ऐसी बात नहीं है कि लोगों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति प्यार कम हो गया है या लोग आना नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब मैं एक और बात कहता हूं कि हम लोगों ने भी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जो हमारा संगठन है, हमने भी, मैं आपको प्रैक्टिकल वजह भी बता रहा हूं, एक प्रोग्राम करने के लिए इसी रामलीला मैदान में परमिशन मांगी, पुलिस ने दो बार मना किया। क्या कहके, वो महत्वपूर्ण बात है कि तुम प्रोग्राम तो करो, ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत कर रहे हो तो, लेकिन इसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज उठाओगे, मुसलमानों की आवाज उठाओगे तो हम, ये पुलिस की तरफ से आ रहा है बात, हम पूरी मदद करेंगे, टेलीविजन पे दिखाएंगे, बसों का इंतजाम करेंगे, और भी कोई मदद चाहिए तो लो। लेकिन अगर आपने मुसलमानों के साथ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की बात की तो आपको परमिशन नहीं देंगे, ये महत्वपूर्ण बात। और दो बार नहीं दी, और अब तक नहीं दी, हमने कोर्ट से परमिशन ली है, कोर्ट से डायरेक्शन ली, ये बात समझने की है। और इस प्रोग्राम के आयोजकों से मैं पूछ रहा था अभी, तो दो दिन पहले इन्हें परमिशन ली है। असमंजस की स्थिति रखते हैं, जब भी कोई बाबा साहब का प्रोग्राम होगा ना, हमारा बहुजनों का प्रोग्राम होगा, डराएंगे, ये परमिशन नहीं मिली तो कैंसिल हो जाएगा, वो परमिशन नहीं मिली तो कैंसिल हो जाएगा, यही रहना आपके साथ भी। आखिरी मोमेंट तक, एक घंटे पहले तक तरसाते हैं लोगों को परमिशन कैंसिल करने की, तो हमारे लोगों को क्या मैसेज जाता है, प्रोग्राम होगा या नहीं होगा? और दिल्ली पुलिस के पास और एमसीडी के पास कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई पब्लिक डोमेन में ये कागज नहीं है कि कैसे यहाँ पे प्रोग्राम करना है, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये सब चीजें हमारे लिए है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए। जो दूसरे लोग प्रोग्राम करते हैं उनको पता होता है कि हमें पुलिस प्रशासन टेलीविजन बसें सब सरकार मुहैया कराएगी, या आरएसएस और बीजेपी के लोग मुहैया कराएंगे। ये भी एक सच्चाई है जिसे हमें समझना चाहिए, और हौसला किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। हम जीतेंगे, ये बाबा साहब की शहादत का दिन है, हम जीतेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें जीतने से नहीं रोक सकती। अंबेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए लोग बढ़ रहे हैं, अभी मैं कहा ना, अभी आप देखिए लोग आएंगे। अभी अपने बच्चों का, आज जो हालात देश में है आप सब जानते हैं, रात को
दोपहर को बच्चे भूखे सोएंगे हमारे लोगों के अगर प्रोग्रामों में सुबह से आएंगे। ये सच्चाई है और ये सच्चाई हमें समझनी पड़ेगी। और इस सच्चाई को दूर करने के लिए हम लोगों को, जो हम लोग यहाँ स्टेज पे बैठे हैं सब लोग, हम लोगों को जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे डबल डबल और डबल से भी ज्यादा 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने बाबा साहब के संविधान की वजह से कुछ ना कुछ मकाम हासिल किया है।